दौड़ने भागने से परहेज पाना। डॉक्टर साहब, चिंता की बात तो नहीं है ना? मेरी सलाह है तुम्हें अपनी बेटी के लिए कुछ और टच कराने होंगे। देखो हीरालाल, तुम्हारी बेटी के हार्ट में एक मेजर प्रॉब्लम है। जल्द से जल्द हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करना। हमारे पास वक्त बहुत कम है, सब कुछ भी हो सकता है। अरे भोले शंकर, क्या गजब का न्याय की हो रे? एक मासूम सी बच्ची के दिल से खेल के ताकत दिखायो तो। आज तक हमारी जिंदगी में जो भी किया, हमारे जितने भी इंतजार किए, हमने तुमसे कभी नहीं कहा कि हम क्यों। पर वो तो छोटी सी बच्ची है रे, उनको तो बख्शते हो, उनको किस बात की सजा दे रहे हो तुम? आज तक हमारी जिंदगी में जो भी दुख आए ना, हमने सोचा ये तुम्हारा फैसला है, पर ये बार तुम भी सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तेरा फैसला नहीं मानूंगा। सुन रहा है ना तू? नहीं मानूंगा। इसके लिए आपको 20 लाख रुपए जमा करने। देखो हीरालाल जी, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है
इसे दवाइयों या थेरेपी से ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए जल्द से जल्द हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करना होगा। इसमें रुपए से ज्यादा जरूरत डोनर की है, और फिर गुनगुन के लिए तो हमें 7-8 साल के बच्चे के दिल की जरूरत पड़ेगी, जो कि लगभग नामुमकिन है। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप कह रहे कि हमारी गुनगुन बिटिया को? देखो हीरालाल जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, उसे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी सोचने की बजाय पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द करो, ताकि आपकी बेटी का नाम रिसिपिएंट की लिस्ट में डाला जा सके। हेलो। अरे कहाँ रह गए, 7:15 बज रहा है, जल्दी आओ। जी कौन बोल रहे हैं? मैं करण का पापा बोल रहा हूँ। तुम हीरालाल ऑटो वाले ही बोल रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी शर्मा जी, हम जी जी क्या लगा रखा है, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी आओ। शर्मा जी हमें ना कोई बहुत ही जरूरी काम आ गया है, हम माफी चाहते हैं आपसे। तो पहले बताना चाहिए था ना। तुम्हारे आज के पैसे कटेंगे। आज हम सुमित बाबा को लेने आ नहीं पाएंगे। सब कुछ ठीक तो है हीरालाल? सुमित बता रहा था कि गुनगुन बिटिया कल स्कूल में गिर गई थी। हाँ मैडम जी, वो खेल कूद के थक गई थी और धूप भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए चक्कर आ गया होगा, बेहोश हो गई थी। बेहोश कैसे, तुमने डॉक्टर को दिखाया? हाँ मैडम जी, वो JR हॉस्पिटल लेके गए थे उनको। अब डॉक्टर ने बताया कि उन्हें आराम करने की जरूरत है, इसलिए आज हम उनके साथ घर पर ही रहेंगे। मैडम जी बाकी बच्चों का फोन नंबर नहीं हमारे पास, आप जरा उन सबको बता देंगे? तुम इसकी चिंता मत करो हीरालाल, खबर हम करवा देंगे। लेकिन ये बताओ कि JR हॉस्पिटल तो? मैडम जी गुनगुन बिटिया बुला रही है, हम बाद में आपको फोन करते हैं। हाँ जी। दानवीर करम आके पूरा पैसा गुल्लक में डलवाने के लिए दिलवा दिए, कोई काम नहीं है तुमको? शांत हो जाओ और देखो काम की बात सुनो। देखो तुम पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो, हम पूरा इंतजाम करते हैं। ये देखो ये हमारे पास पूरा 1,00,000 रुपया है, फिलहाल ही जमा करा दो और जो एक दिन में हम कुछ और जुगाड़ करके उसका नाम लिस्ट डलवा देंगे, है ना? 1,00,000 रुपया, ये 1,00,000 रुपया एक रात में कहाँ से आया तुम्हारे पास? यार तुम सवाल बहुत पूछते हो, कहाँ से लाए कैसे लाए इस सब बात का गुनगुन के इलाज से क्या कनेक्शन बताओ? कनेक्शन है तुम्हारा और ये पैसे का क्या कनेक्शन है हम सब समझ रहे हैं, हम ये पैसा नहीं लेंगे। हाँ? नहीं लेंगे? अम्मा तुम्हारी अकल घास चरने गई है का? तुम जानते हो ना ये पैसा गुनगुन के इलाज के लिए है। हम तुमसे कहें ना हम ये पैसा नहीं लेंगे, श्राप ही है पैसा, खाओ हमारी सौगंध, ये पैसा तुम जुए में नहीं जीते। अरे हाँ जुए में जीते, जुए में कमाए, क्या फर्क पड़ता है ये बात से? देखो मतलब की बात समझो,
ई वक्त सबसे जरूरी है गुनगुन का जल्द से जल्द ऑपरेशन। और अगर टाइम पे पैसे नहीं दिया ना तो याद है डॉक्टर ने क्या कहा था, शायद हमारी शायद शायद कर शायद। लेकिन अगर ये बाप की कमाई अपने बेटी के इलाज में लगाए ना तो शायद नहीं पक्का हमारी गुनगुन को। अरे अब तुमको कौन समझाया यार, ये तुम्हारी जान बगाड़ने की आदत ना, ये तुम्हें लेट होगी। और तुम्हारे साथ साथ शायद हमारे, देखो हम तुमसे अभी भी कह रहे हैं और तुम 10 बार बोलोगे ना तभी भी यही कहेंगे कि पैसा हम नहीं लेंगे, अपना जमीन बेच के अपनी बिटिया का इलाज नहीं कराएंगे हम, समझे तुम? तो ठीक है, जो तुम्हारे जी में आए ना तुम वो करो, जा रहे हैं। एक बार फिर सोचो लो यार, देखो हम तुम्हारे दोस्त होने के साथ साथ गुनगुन के चाचा भी हैं, मान लो हमारी बात, ये पैसा ले लो हमसे, ले लो। चाचा हो ना तो चीचा निकलो। पैसा डबल करने का स्कीम विस्कीम सब धोखेबाजी है। और जो तुम पैसा डबल करने जा रहे हो उसका मेहनत का पैसा है। हम तुमसे कहे ना हम तुम्हारे पाप की कमाई अपनी बिटिया के इलाज में नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे। और तुम भी सुन लो। क्या कर रही है बिटिया? पापा हमने इसमें कितने सारे पैसे डाल दिए पर ये अभी भी खाली खाली लग रहा है। भर जाएगी बिटिया, धीरे धीरे करके भर जाएगी, बूंद बूंद करके ही तो सागर बनता है। पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक जादुई गुल्लक को जो जल्दी जल्दी भर जाए? जादुई गुल्लक? अरे ऐसी कोई जादुई गुल्लक होती तो अपने बेटे के लिए अभी तक लेना आते हम। जादुई गुल्लक चाहिए? सही बता रहे भैया, बहुत ही बढ़िया स्कीम है। जैसे कि कोई कंपनी में आप पैसा डालें, उसी कंपनी में और लोगों को भी पैसा डलवाया तो आपका पैसा 5 गुना, मतलब कि 5 का 25,000। जय बोले शंकर। अशोक भैया अब हीरालाल बोल रहे हैं। अरे हीरालाल भाई कैसे हैं? कैसे कैसे याद किया जयराम जी की? बढ़िया है भैया, वो एक दो दिन पहले आप हमसे वो पैसा डबल करने वाली स्कीम के बारे में कुछ बता रहे थे ना, वो के बारे में जरा विस्तार से बताइए। अरे हीरालाल भाई आपके भी मन में लड्डू फूटा है क्यों? लड्डू नहीं फूट रहे भैया, पैसे की कुछ जरूरत आन पड़ी थी इसलिए पूछ रहे हैं, बताइए ना जरा। हाँ लकी चिट फंड का नंबर देंगे, 230-48। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। लकी चिटफंड से बोल रहे हैं? हाँ जी कहिए। क्यों अशोक भैया ने आपका नंबर दिया था, वो पैसा डबल करने वाली कोई स्कीम के बारे में बता रहे थे, ऐसा सच्ची में होता है का? अरे वाह जनाब, तो क्या हम मजाक करने के लिए दुकान खोलकर बैठे हैं? अजय कितनों की किस्मत बदल दी हमने। तो भैया जरा बताइए पैसा कितना लगाना होता है? अजय आप जितने देंगे उसके डबल हो जाएंगे। दफ्तर कहाँ है भैया आपका? अजय जी दफ्तर आने की क्या जरूरत है हुजूर, ये सब तो फोन पे ही हो जाता है। हम आपके पास लड़के को भेज देंगे, आप उसे पैसे दे देना, वो आपको बदले में रसीद दे देगा, 5 दिन में डबल होगा, दुगना पैसा देकर वो आपसे रसीद ले जाएगा। अच्छा बताइए कहाँ भेजना लड़के को? भैया जी आप हजरतगंज चौरस्ते के आसपास कहीं भेज दीजिए, अब हम वहीं मिलेंगे। जी ये की ना आपने समझदारी वाली बात, जय राम जी की। जी
उसको पैसे देने का बहुत कोशिश की। हम बात करते उसे, वो आएगा ना? समझाओ उसको। संध्या, मैं तुमसे अकेले में बात करना है। कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं, गुनगुन बिटिया को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। अनिक ध्यान रखना। कहाँ पूछ सकते हैं? एक गुल्लक उठाए कहाँ जा रहे हो? आज दिन में पैसा डबल करने की कौन स्कीम है उसके बारे में पता करके आते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? हम आज तक समझते थे कि तुम सिर्फ अनपढ़ हो, लेकिन आज पता चला कि तुम जाहिल भी हो। हम अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गवार हैं, दिमाग से पैदल हैं। तुमको कोना बात ठीक से बोलना नहीं आता है का? और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है का? ये पैसा डबल करने का स्कीम सब धोखेबाजी है। पैसा ठगने का धंधा है, धंधा। हमारे दुकान पे आके बैठो, रोज 10 ही लोग मिल जाएंगे ऐसे स्कीम बेचने वाले। एक तो जो मेहनत का पैसा है उसको लुटा दो, और जो कौनो सही में मदद करे उसको धुतकार दो। तुमको जाहिल न कहे तो और का कहे? तो का करे? ठीक है, बाप की कमाई को अपनी बिटिया के इलाज में लगा दे। काला धन है उका। हमारी गुनगुन बिटिया बचना भी चाहेगी ना तो बच नहीं पाएगी। हाँ, तो कर लियो बात है? और जो तुम पैसा डबल करने जा रहे हो उसका मेहनत का पैसा है। धनकर भैया, तुम हमसे दूर ही रहो। हम तुमसे कहे ना, हम तुम्हारे बाप की कमाई अपनी बिटिया के इलाज में नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे। और तुम भी सुन लो, अगर तुम्हें इस बात से दिक्कत है ना कि हमारी बिटिया यहाँ पे लेटी हुई है, हम इसको लेके अपने घर चले जाते हैं। इसको यहाँ पे रख के हम पहचान करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बिटिया का ध्यान खुद रख सकते हैं। अजीब आदमी है। अजीब भी है और गरीब भी। कौन समझाए इसको? छोड़िए, एक काम की आंख बंद कीजिए, पैर आगे कीजिए। क्यों? हमारा सब कुछ बता दे तुम्हें। पैर आगे कीजिए। चलिए चलिए, चल चल चल, बहुत ही अच्छी लग रही है। अरे क्या हुआ? अरे अम्मा नाराज हो गई का? इधर आओ, उनसे बड़े प्यार से लेके आया आपको।
वैसे भी ये आपके पैरों में पड़ चुकी है तो अब ये ऊ हो चुकी है, नायाब हो चुकी है। अब आप हमसे एक वादा कीजिए कि ई पायल जो है पकड़िए, इसे आप मरते दम तक अपने आप से जुदा नहीं करेंगे। और ई रही कि दूसरी पायल, गुनगुन के पास वक्त बहुत कम है, आपको जल्द से जल्द पैसे जमा करने होंगे। तुमसे किया हुआ वादा हम जरूर निभाएंगे रजनी, चाहे ऊ के लिए हमको कुछ भी करना पड़े।